लेकिन कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर फादर इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हाँ चलिए मैं ये सारे काम देखता हूँ, घर के बच्चों को देखता हूँ, तो वहां पर क्या इजाजत है? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फादर अगर माँ का रोल अदा करने तैयार है कि हाँ मैं कर लूंगा घर का काम, मैं बच्चों संभाल लूंगा, लेकिन फादर के पास वो दिमाग जो बनाया गया है, ऊपर वाले ने बनाया है, औरतों के लिए वो तो है ही नहीं ना। और एक चीज है, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर दो ड्राइवर्स हो, एक राइट से खींचने लगे, एक लेफ्ट से खींचने लगे, एक एक्सीलेटर दबाए और एक ब्रेक दबाए, ऐसी गाड़ी का क्या हाल होगा? नहीं, ऐसी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि एक साथ दो ड्राइवर बैठ के चल रहे हैं कि भाई एक आधे रास्ते तक आप चलाइए, आधे रास्ते तक मैं चलाता हूँ, पॉइंट क्या है कि वो एक ड्राइवर कौन होगा? आधे रास्ते तक एक चलाए, आधे रास्ते तक दूसरा चलाए, लेकिन एक टाइप का स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल, जिसके अंदर कोई एक ले लिया कंट्रोल, दूसरे ने कंट्रोल ले लिया, ये सब के अंदर बहुत हाई चांसेस है एक्सीडेंट्स के। और जो हमने डिवोर्स रेट पिछले एपिसोड में देखा था, उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि एक डिफाइंड क्लियर लीडर नहीं है। जब एक डिफाइंड क्लियर लीडर नहीं है तो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। इस्लाम ने कहा नहीं, ये चीज में मर्दों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब कोई चोर घर में आ गया, कोई ये नहीं कहेगा आई बिलीव इन वुमेन्स राइट्स, मैं अपनी बीवी को भेजूंगा चोर से लड़ने के लिए, नहीं, उसमें उसको खुद जाना पड़ेगा क्योंकि ही इज फिजिकली मोस्ट स्ट्रॉन्गर। उसी तरह बाहर जाकर डेली की रोजी कमा करके लाना, ये काम के लिए अल्लाह ने मर्दों को ज्यादा केपेबल बनाया, दिमाग के तौर पे, जिस्म के तौर पे, हार्मोनल तौर पे, ये सारी चीजों के तौर पे, प्रेगनेंसी नहीं दी, मेंसेस नहीं दी, दे आर मोर सुटेबल टू गो आउट एंड अर्न अ लिविंग एंड कम। तो हम देखते हैं कि ये क्लियरली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना होने की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और इसके अंदर हम औरतों के रोल के अंदर ऑनर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि माँ का रोल एक बहुत बड़ा रोल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है मेरे ऑनर और रिस्पेक्ट को पाने में सबसे ज्यादा, मेरी कंपनी पाने में कौन सबसे ज्यादा डिजर्विंग है? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ है। फिर पूछा कि उसके बाद कौन है? तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ है। उसके बाद कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके बाद भी तुम्हारी माँ है। फिर कहा चौथी बार जब उनसे पूछा गया कि उसके बाद कौन है, तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारे वालिद है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तीनों के तीनों माँ को ही मिल गए, और फादर को जैसे कि कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है, सही बुखारी की हदीस है किताबुल आदाब में। तो हम देख रहे हैं कि ये एक सिद्ध से, ये एक ऑनर है जो उस माँ को मिल रहा है, और वो एक ग्रेट ऑनर को छोड़कर जो घर की मलिका है वो बाहर जाके खादिमा बन रही है ना, वो रियलिटी कंपनी में क्या बन रही है, सेक्रेटरी बन रही है, रिसेप्शनिस्ट बन रही है, पेरोल को ऑब्जर्व करने वाली, सुपरवाइज करने वाली जो बन रही है,